सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश बीजेपी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। अब तक बीजेपी ने 1,40,00,000 सदस्य बना लिया है और अब सक्रिय सदस्य बनाने का सिलसिला शुरू होगा। स्वराज एक्सप्रेस से बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था, करीब 1.5 महीने आपके लक्ष्य को होने चले, जो अभियान आप लोगों ने सदस्यता अभियान का चलाया, पहले 1.5 करोड़, फिर आप लोगों ने 2 करोड़ तक की बात करने लगे, क्या स्थिति है? क्योंकि आज आपके एक तरह से हम बात करें तो सदस्यता अभियान का आखिरी दिन है। 2 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक 2 चरणों में सदस्यता आरंभ हुई, 2024 से 2030 तक की। तो इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के बाद से लेकर के पहला चरण हमारा 25 सितंबर को पूरा हुआ, अगला चरण हमारा 1 अक्टूबर से आरंभ होकर के 15 अक्टूबर तक हुआ। ये बड़ा अभियान था और मध्य प्रदेश में पिछली बार जब 2014-15 में सदस्यता हुई थी, 8 महीने का अभियान चला था, तब 96,00,000 सदस्य बने थे और उसमें जब वेरीफाई हुए तो वेरीफाई सदस्यों की संख्या 68,00,000 थी। लेकिन इस बार हमारे इस सदस्यता अभियान में मैं मानता हूँ कि नेतृत्व की सजगता और उनके कारण, लगातार मार्गदर्शन के कारण, आज मध्य प्रदेश में 1,40,00,000 के करीब हमारी सदस्यता हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा अनूठा प्रयोग करने जा रही है मध्य प्रदेश में, और ये कह सकते हैं कि शायद देश में पहली बार खनन कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। 17-18 अक्टूबर को 2 दिनों तक ये कॉन्क्लेव चलेगा, करीब 600 इसमें उद्यमी और आपके केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, प्रदेश के मील का पत्थर साबित हो गई? मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी विजनरी लीडर हैं, लगातार उन्होंने मध्य प्रदेश को नए आयाम देने का काम किया है। उन्होंने चाहे इन्वेस्टर मीट हो, चाहे इस तरीके के कॉन्क्लेव, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कि कहाँ उसकी आवश्यकता है और कहाँ करने से सफल होगा, तो एक पहले एक क्षेत्र तक हम सीमित रहते थे, उससे आगे बढ़ करके पूरे मध्य प्रदेश के हर रीजन में क्या संभावना है, वहाँ कॉन्क्लेव करके सबको जोड़ने का काम किया। तो ये थे भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। बाकी जो मध्य प्रदेश में खनन कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है भोपाल में, वो प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आयोजित हो रहा है, और ये जो आयोजन है प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन रोहित के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।